के नेता को किसी भी सुन लीजिए, बात रखना है महोदय, नियम के अनुसार बात रखेंगे महोदय, सरकार उसका जवाब देगी। इसमें ये हुआ था महोदय कि हम लोगों ने मांग की थी कि विशेष सत्र बुलाया जाए, ठीक है अगले सत्र में इसकी चर्चा की जाएगी। पूर्व में भी सदन ने बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य को लेकर के जो है जाते इधर उधर तो वही होते रहते हैं, तो आखिर इसको लागू कौन करेगा? और महोदय एक मिनट, इसमें बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना, मुख्यमंत्री जी जो उन्होंने बयान दिया वो पूरी तरीके से गुमराह करने वाला बयान था। ये अधिसूचना है महोदय, सुशील मोदी जी ने ये नेता दिन पहले हायाघाट में उन्होंने ये कहा कि एनपीआर जो है 2010 के हिसाब से होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए और एनआरसी जो है लागू नहीं होगा। हालांकि एनपीआर जो है एनआरसी का, अब मुख्यमंत्री जी ने कहा इधर उधर नहीं होना चाहिए, लेकिन हम तो कहना चाहते इधर उधर तो वही होते रहते। तो आखिर इसको लागू कौन करेगा? महोदय एक मिनट, सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना, मुख्यमंत्री जी जो उन्होंने बयान दिया वो पूरी तरीके से गुमराह करने वाला बयान था। ये अधिसूचना है महोदय, सुशील मोदी जी ने ये नेता प्रतिपक्ष पर बोल रहे हैं, आप बैठिए ना, किस नियम से आप नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं? सदन जानना चाहता है कि किस नियम के और किस नियम के तहत नेता प्रतिपक्ष अपनी बात को रख रहे हैं? ऐसे नहीं चल सकता, ऐसे नहीं। अध्यक्ष महोदय, सूचना है महोदय, तो नियम से चलेगा, नियमावली से चलेगा। जब चाहेंगे नेता विपक्ष कोई बात, आप बताइए कि किस नियम के तहत होगा, अगर मुख्यमंत्री जी भी होंगे तो क्या इसको स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? ये अति गंभीर मामला है महोदय। हम कुछ बिहार सरकार का जो नोटिफिकेशन, नहीं, आप मौका दीजिए महोदय, 2 मिनट लगेगा, ज्यादा समय हम ये कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने पूरी
मंडल पे ये नोटिफिकेशन जारी किया। अधिनियम आप सन 1948 के अधीन बनाए गए नियमावली की धारा 8 खंड 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का बिहार के राज्यपाल आदेश देते हैं कि बिहार राज्य में भारत की जून 2020 के अवधि के दौरान किया जाएगा। एक मिनट महोदय, इसमें साफ दो चीजें महोदय बैठिए भैया दो चीजें एक मिनट महोदय इसमें दो चीजें यानी 28 जून से 15 मई और 28 जून के बीच में महोदय ये एनपीआर बिहार में लागू हो जाएगा। तो ये स्पष्ट नहीं है कि एनपीआर, मुख्यमंत्री जी बताएं कि ये एनपीआर जो है लागू होगा हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप इसको समय पर आज नेता प्रतिपक्ष के साथ माननीय सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित कार्य स्थगन की सूचना प्राप्त हुई उसके साथ